हाई आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए फ़िल्म ब्लैंक का रिव्यू इस हफ्ते जो दो फिल्में आ रही हैं ब्लैंक और सेटर्स छोटे बजट की फिल्में हैं छोटे स्टार्स की फिल्में हैं लेकिन मैं दावे से कहूंगा कि अगर आप बड़े स्टार्स पर भरोसा नहीं करते यकीन नहीं करते तो ये दोनों ही फिल्में पैसा वसूल है तो हम ब्लैंक की बात करेंगे पहले ब्लैंक की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें सिंपल कपाड़िया का बेटा डिम्पल कपाड़िया की जो बहन थी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी बीस साल वो सनी देओल की कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही पर्सनल और ऐसे में सनी देओल भी इस फिल्म में है सिंपल कपाड़िया का, का बेटा करण कपाड़िया वो इस फिल्म में आ रहा है और इस मूवी का सबसे ख़ास पहलू है इस फिल्म का डायरेक्शन आपको शुरू से लेके एंड तक ऐसे बांधे रखती है कि आप हिल नहीं पाते कि अब क्या होने वाला है अब क्या होने वाला है और बहजाज खम्बाटा इस फिल्म के पहली बार एक तरह से इस फिल्म से डायरेक्शन शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड यूनिट डायरेक्टर रहे कई फिल्मों में जिनमें वो माई गॉड भी थी बहजाज खम्बाठा ने जिस तरह से इस मूवी में बांध के रख दिया है एक एक किरदार को ऐसे फंसा के चलते मैं आपको बताऊं कहानी है एक ऐसे सुसाइड बॉम्बर की जो एक्सीडेंट जिसका हो जाता है और पुलिस को जब वो मिलता है तो वो ए को सौंप देती है और ए का चीफ ए का चीफ़ दीवान यानी सनी देओल फिर वो तहकीकात करता है कि दरअसल हुआ क्या है पता चलता है कि उसके हट से बैटरी के रूप में एक बॉम्ब बंधा हुआ है और उस बॉम्ब से कनेक्शन है 24 सुसाइड बॉम्बर्स का जो बॉम्बे को दहला देना चाहते हैं जमील खान मकसूद के रोल में है जो बड़ा आतंकवादी है और ऐसे में वो पूरे भारत को एक तरह से इन चौबीस पच्चीस धमाकों के जरिए हिला देना चाहता है तब वहाँ पर ये भी बड़ी दिक्कत है कि उसको मारा जाए या क्या किया जाए और ऐसे में वो सुसाइड बॉम्बर अपनी याददाश्त भूल जाता है कहानी यहाँ से शुरू होती है और लास्ट में अमिताभ बच्चन की एक बड़ी फिल्म का जो क्लाइमैक्स था वो इस फिल्म में दिखाया जाता है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्टिंग के मायने बात करें तो सनी देओल का को कोई मुकाबला नहीं तो उनके अलावा जमील खान हैं करण कपाड़िया है की पहली फिल्म है और पहली फिल्म से ही उन्होंने असर दिखा दिया है क्योंकि डायरेक्टर ने उनको काफ़ी मौका भी दिया है और उन्होंने इसे साबित भी किया है हालाँकि करमवीर शर्मा को थोड़ा ज़्यादा मौका मिलना चाहिए था मुंबई अलहजे में वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने और दूसरे जमील खान और इस्ता दत्ता इनके हिस्से में अच्छे सीन्स आए और काफ़ी मेहनत हुई है लेकिन आखिर में मैं कहूँगा कि फिल्म डायरेक्टर की फिल्म है इस मूवी में कहीं भी रोमांस म्यूज़िक इन सब के लिए जगह नहीं है अक्षय कुमार ने जरूर उनके लिए एक आइटम सॉन्ग फिल्माया है करण कपाड़िया के लिए उनके बदन लो इसलिए लेकिन कहीं भी मूवी आपको बोर नहीं करती कुछ जगह आपको लगता है कि फिल्म कहीं कमज़ोर पड़ रही है ये सीन क्यों आया ये सीन क्यों आया और लास्ट में आके जब कहानी खुलती है क्लाइमेक्स खुलता है तब वो आपकी सारे वो जो आपको वीक पॉइंट लग रहे थे वो सारे आपके लिए एक तरह से आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ऐसे में बहजाद खम्बाटा की फिल्म है करण कपाड़िया की फिल्म है सनी देओल भले ही इसमें एक तरह से साइड रोल में है लेकिन सनी देओल के नाम पे फिल्म को बेचा जरूर गया है तो ये फ़िल्म दिखाती है कि आपके पास बड़े सितारे ना हो बड़े चेहरे ना हो बड़ा बजट ना हो तब भी एक अच्छी मूवी बनाई जा सकती है पैसा वसूल फिल्म है ग्रिपिंग है हमारी तरफ से इस मूवी को तीन स्टार मिलते हैं बतौर क्रिटिक और बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ सब्सक्राइब करें इन खबर थैंक यू नमस्कार इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें